हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्लीपी क्लासेस सो सी सैट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन में फिर से आपका स्वागत है हम सेकंड सेशन कर रहे हैं ये लास्ट uh, सेशन में मैंने कुछ अराउंड एटीन क्वेश्चन डिस्कस किए थे जो सी सैट ट्वेंटी के क्वेश्चन थे उसी को कंटिन्यू करेंगे पहले सी सैट ट्वेंटी के ही क्वेश्चन और देखेंगे जो क्योंकि उसमें अराउंड फोर्टी के करीब क्वांट के क्वेश्चन थे तो देखते हैं इसको स्टार्ट करते हैं और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो पक्का सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन को प्रेस कर दें और सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर करें पिछले सेशन में आ, कुछ लोगों ने मुझे आ, कहा था कि यहाँ पे आ, उसमें साउंड का माइक का प्रॉब्लम किसी ने कमेंट भी लिखा था तो अभी आई होप कि ये आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी राइट वी हैव वर्कड ऑन दैट तो एक बार चेक करते हैं तो आज का एजेंडा भी सी सेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन उसी को कंटिन्यू करेंगे तो स्टार्ट करते हैं और उससे पहले मैं फिर से दिखा दूं कि जैसे ये प्रीवियस ईयर्स में आपके क्वांट के क्वेश्चंस की इम्पोर्टेंस बढ़ाता जा रहा है वो तो यहाँ पे अगर आप पिछले कुछ 2020 21, 22, 23 में देखें तो काफी इंक्रीज uh, हो गई है वेटेज एज कंपेयर टू राइट जो पुराने सी थे उनको अगर कंपेयर करें तो राइट right? लाइक like 2020 और 23 में तो 40 40 क्वेश्चंस पे पहुंच गया क्वांट के क्वेश्चंस पे रादर ये 40 तो वो काउंट किए हैं जो आपने रीजनिंग के वो क्वेश्चन कंसीडर नहीं किए जो लोगों को पता नहीं चला कि उसमें भी क्वांट यूज़ हो रहा था तो अभी स्टार्ट करते हैं क्वांट के आगे क्वेश्चन और उससे पहले मैं ये भी बता दूं हमने जो स्लीपी uh, क्लासेस पे आपका सक्षम सी कोर्स है ये लाइव लेक्चर और रिकॉर्डिंग लेक्चर दोनों फॉर्मेट में आपको अवेलेबल है और इसमें 80 प्लस लाइव लेक्चर्स और प्रैक्टिस शीट्स पीडीएफ टॉपिक टेस्ट और मॉक टेस्ट सारा मतलब कंप्लीट पैकेज है आपका सी सेट के लिए अगर आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं ओके okay, तो हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से 2023 के और कुछ क्वेश्चंस मैंने आज सेशन में लिए हैं तो यहाँ पे हम देखेंगे एक सिंपल क्वेश्चन लोगों को पहले ही पता होता है कि ये क्वेश्चंस को कैसे किया जाता है रिमाइंडर इफ टू रेज टू पावर 192 नाइनटी टू इज डिवाइडेड बाई सिक्स तो सिक्स से डिवाइड करके रिमाइंडर क्या आएगा ओके okay, ठीक था हम वैसे कर सकते थे बट अगर आप कभी ये देखें ये पैटर्न ऑब्जर्व करें वैसे तो देखो यहाँ पे अगर मैं ये देखता कि टू की पावर वन का सिक्स से रिमाइंडर क्या आता है तो 2 की पावर 1 क्योंकि 2 6 से छोटा है तो रिमाइंडर 6 ही आएगा और अगर मैं 2 की पावर 2 का देखूं तो रिमाइंडर 4 का 6 से रिमाइंडर अभी भी 4 6 से छोटा है तो 6 ही आएगा सॉरी रिमाइंडर 2 आएगा रिमाइंडर 2 आएगा और यहाँ रिमाइंडर 4 आएगा 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो 2 की पावर 1 का रिमाइंडर 2 आएगा 2 की पावर 2 का 4 2 की पावर 3 8 का 6 से रिमाइंडर करेंगे तो फिर से 2

तो रिमाइंडर फोर ही आपका आंसर आएगा राइट right? बहुत सिंपल था आप पैटर्न देखते तो टू की पावर वन यानी ऑड पावर्स का रिमाइंडर टू आ रहा था और टू की पावर जो टू फोर सिक्स पावर्स थी उनमें रिमाइंडर जो था 4 आ रहा था तो सिंपल ऑब्जर्वेशन से भी हम आंसर कर सकते थे विदाउट गोइंग फॉर एनी कॉम्प्लिकेटेड मैथड ओके तो चलो नेक्स्ट पे चलते हैं अब ये क्वेश्चन आपका आ, कहने को आप इसको कुछ भी कह दें नंबर ऑफ वेज या कुछ भी बट ये बहुत सिंपल सा लॉजिकल मुझे रीजनिंग का क्वेश्चन ज़्यादा लग रहा था ये लॉजिकल क्वेश्चन टाइप्स अ बॉक्स कंटेन 14 ब्लैक बॉल्स 20 ब्लू बॉल्स 26 ग्रीन बॉल्स 28 येलो बॉल्स 38 रेड बॉल्स 54 फोर व्हाइट बॉल्स बहुत सारी बॉल्स दी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट द स्मॉलेस्ट नंबर एन एन सच दैट एनी एन बॉल्स ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स रेंडमली must contain one full group of at least one color तो so, एक कलर पूरा आ जाना चाहिए राइट ओके पक्का आ जाना चाहिए मस्ट मस्ट का मतलब है 100% आ जाना चाहिए तो so, 100% तो तभी इंश्योर करूंगा ना मैं जब मैं वर्स्ट केस सिनेरियो हैंडल कर लूं ओके okay. सपोज करो मैं ऐसा चाहूं कि नहीं आए तो राइट right? ये जो कौन से केसेस में वो नहीं आएगा राइट right? वो जो एक एक कलर की सारी बॉल्स ना आए यानी कि मैं ब्लैक बॉल्स की सारी ना लेके थर्टीन बॉल्स ले लूं, ब्लू की सारी ना लेके नाइन ले, ले लूं, मतलब एक एक बॉल सबकी छोड़ दूं, तो टोटल हमारे पास बॉल है 14 20, हैं एंड एंड हैं अब इसको ऐसे ऐड करने की बजाय ऐसा सोचेंगे कि टोटल 180 बॉल्स हैं उसमें से ये कह रहा है कि एक फुल ग्रुप पक्का आ जाए शॉट शोर तो सोचू तो ये छह पर्टिकुलर कैटेगरी हैं छह की छह की एक एक बॉल रह जाए और बाकी सारी बॉल्स आ जाए तो वन में से सिक्स बॉल्स निकालते तो 174 बॉल्स वो होती जब तक कोई भी एक सेट पूरा ना होता राइट right? आपने एक ब्लैक बॉल छोड़ दी एक ब्लू बॉल छोड़ दी एक येलो बॉल एक रेड बॉल एक वाइट बॉल तो 174 बॉल्स में भी ऐसा पॉसिबल था कि मेरी किसी भी एक ग्रुप की पूरी बॉल्स ना आती बट इस 174 के बाद कोई भी एक बॉल उठाओगे तो कोई एक ग्रुप तो पक्का पूरा हो जाएगा राइट right? पूरा एक ग्रुप हो जाएगा देखो 174 बॉल्स वो है जबकि मैंने सबकी एक एक बॉल छोड़ दी यानी कि 174 बॉल्स में भी श्योर नहीं था मस्ट नहीं हो सकता था कि आपका एक ग्रुप पक्का आ जाए बट वन बॉल लोगे एक बॉल और उठा ली तो किसी का तो एक सेट पूरा हो जाएगा चाहे वो ब्लैक बॉल पूरी हो गई चाहे ब्लू कोई तो एक बॉल आपको आपने एक पूरी कर दी एक कैटेगरी अब पांच बॉल्स मिस हो सकती हैं पांच कैटेगरी रह सकती हैं कि वो ना पूरी हो बट एक कैटेगरी पक्का पूरी हो जाएगी तो 175 सेवन फाइव यह बिल्कुल ठीक था राइट तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल भी बिल्कुल करेक्ट थी राइट बिल्कुल करेक्ट थी ये फर्स्ट स्टेटमेंट सेकेंड स्टेटमेंट में कहता था द स्मॉलेस्ट नंबर एम सच दैट एनी एम बॉल्स ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स रेंडमली मस्ट कंटेन एटलीस्ट वन बॉल ऑफ ईच कलर तो कहता है पक्का फिर से मस्ट है मस्ट का मतलब होता है हम वर्स्ट केस सिनेरियो लेते हैं जब ना हो राइट right? मस्ट मतलब होना ही चाहिए तो वो वाला केस देखने के लिए हम कहते हैं कि ना हो पहले वो दिखाते हैं तो इसका मतलब वो कहता है कि हर हर कैटेगरी से एक बॉल पक्का लेनी थी तो मैं ऐसा कहता हूं कि जैसे 180 टोटल बॉल्स हैं तो सारे कैटेगरी की बॉल ले लेता हूं मैं बट जो सबसे कम है 14 ब्लैक बॉल्स हैं उनको छोड़ देता हूं तो 180 में से 14 बॉल छोड़ दी जो ब्लैक हैं 166 बॉल्स ये सबसे ज्यादा नंबर ऑफ ऐसी बॉल्स हैं जब एक कैटेगरी अभी रह गई राइट right? अभी भी 160 बॉल्स के लेने के बाद भी आपको ऐसा है हो सकता है कि एक भी ब्लैक बॉल आपने उठाई नहीं जबकि उसने कहा था एटलीस्ट वन बॉल ऑफ ईच कलर आनी चाहिए तो अब इसमें अगर एक बॉल और डाल दूंगा तो वो ब्लैक बॉल भी आ जाएगी यानी कि 167 बिल्कुल करेक्ट आंसर था ये भी सेकंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट थी जब आपका कोई केस ऐसा नहीं हो सकता था कि किसी कैटेगरी की बॉल रह जाए आपकी हर कैटेगरी की बॉल पक्का आएगी राइट right? तो बोथ करेक्ट था बोथ वन एंड टू वर करेक्ट क्योंकि उसने करेक्ट पूछा था तो बोथ वन एंड टू आर करेक्ट दोनों ही स्टेटमेंट के आंसर इसने बिल्कुल ठीक लिखे होते स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक थी राइट right?

अब था ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट प्रिंसिपल पी बिकम्स क्यू इन ईयर व्हेन कंपाउंडेड हाफ विद आर परसेंट एनुअल रेट इफ द सेम प्रिंसिपल पी बिकम्स क्यू इन वन ईयर व्हेन कंपाउंडेड एनुअली ये भी वन है वन ईयर व्हेन कंपाउंडेड एनुअली विद सेम एस परसेंट एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो एक तरफ आर परसेंट रेट पे भी वो पी से क्यू बन रहा है ईयर में एक तरफ S पे भी था, था, यहां पे है, right? है, okay? तो वो कह रहा है कौन सा रिलेशन होगा आर एस से तो आप इसमें ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि पी बिकम्स क्यू वेरिएबल की फॉर्म में दिया हुआ है आप कोई भी ले लो आसान सा रेट राइट लेट से आप ले लेते हैं कि आपको आर परसेंट जो आर परसेंट में हाफ ईयरली ले रहे हैं वो आप ले लो आर परसेंट को ट्वेंटी परसेंट ट्वेंटी परसेंट मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि उसका हाफ ईयरली करेंगे तो टेन परसेंट हो जाएगा राइट तो आर परसेंट अगर ट्वेंटी परसेंट होता मैं एज्यूम कर रहा हूं राइट एज्यूम कर रहा हूं ट्वेंटी परसेंट तो क्या होता के हाफ हाफ ईयर के टेन टेन परसेंट के दो इंटरवल हो जाते और परसेंट के जब दो इंटरवल होते हैं तो पहले 100 से 110 फिर 110 का 10% परसेंट इलेवन मिलता है यानी कि टोटल इंटरेस्ट आपको हमेशा 21% इंटरेस्ट मिलता है, राइट तो जब आर परसेंट में पी से क्यू हुआ पी से क्यू हुआ तो आर आपने 20% परसेंट लिया था तो 10% परसेंट हाफ ईयरली हो गया और दो इंटरवल में आपको 20% परसेंट ट्वेंटी मिला तो P से Q यानी कि 100 से 121 हुआ, ओके, हुआ दस परसेंट हो गया मैं बीस परसेंट कोई भी आर्बिट्रेरी वैल्यू कोई भी वैल्यू आप लेके टेस्ट कर सकते हैं तो क्या हुआ R जब 20 लिया तो उसका हाफ ईयरली टेन परसेंट हुआ दो इंटरवल बन गए हाफ हाफ ईयर के तो टेन परसेंट टेन परसेंट कैसे होता है अगर आपको नहीं भी पता तो हंड्रेड से टेन परसेंट लगाओ हंड्रेड टेन अब हंड्रेड टेन का टेन परसेंट वुड बी इलेवन इसका टेन परसेंट तो क्या हो जाएगा वन ट्वेंटी वन यानी कि आपको टोटल इंटरेस्ट ट्वेंटी वन मिला सो so पी से क्यू जो था आपका वो हंड्रेड से वन ट्वेंटी राइट यही था आपने एक ट्वेंटी तो होता तो यहां पे टोटल आपको ट्वेंटी यही होती है S की राइट? वो तो हंड्रेड तो से वन ट्वेंटी वन करने के लिए आपको एस को ट्वेंटी वन परसेंट लेना पड़ता तो आर अगर ट्वेंटी परसेंट है तो इक्वेलेंट इसी सिचुएशन के इक्वेलेंट एस ट्वेंटी छोटा है राइट right? वैसे तो लॉजिकली अगर किसी को कंपाउंड इंटरेस्ट पता है क्या होता है तो अगर आप हाफ हाफ ईयर के दो इंटरेस्ट लगा रहे हो हाफ ईयर मतलब हाफ ईयर में मतलब दो इंटरवल में वही इंटरेस्ट ले रहे हो तो आपकी रेट थोड़ी सी कम होगी अगर एक इंटरवल में सीधा इंटरेस्ट लेते तो राइट right? क्योंकि एक इंटरवल में लेट से ट्वेंटी परसेंट ही करूं तो ट्वेंटी परसेंट ही इंटरेस्ट मिलता आपको बट वही अगर रेट का दो बार करते तो तो 10 पे 10 और मिलता तो 21 हो जाता आपका टोटल इंटरेस्ट मतलब आपका आर हमेशा एस से कम होगा अगर पी से क्यू सेम बन रहा है अगर आउटपुट आपका सेम है राइट right? प्रिंसिपल से अमाउंट आपका सेम है तो आपका अगर हाफ ईयरली इंटरेस्ट है रेट है वो एनुअली से रेट ऑफ इंटरेस्ट कम रख के बराबर कर सकते हो आप तो आर हमेशा लेस देन एस होगा ओके okay? मैंने एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेके किया है तो आप ऐसे ही कोई भी एग्जाम्पल से टेस्ट कर सकते थे ओके okay? तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर देयर विच गिव रिमाइंडर ऑफ थर्टी वन वेन इज डिवाइडेड बाय नंबर देखो रिमाइंडर क्या होता है रिमाइंडर होता है एक्स्ट्रा तो यानी जब वन वन एट सिक्स में डिवाइड कर रहे थे तो थर्टी वन आपका रिमाइंडर बच रहा था इसका मतलब आपने जो डिवाइड किया होगा वो वन वन फिफ्टी फाइव होगा इतना नंबर इस जिस नंबर से डिवाइड होगा उसका मल्टीपल होगा तो एन जिससे डिवाइड कर रहे थे राइट उस 1155 का वो फैक्टर होगा या 1155 उसका मल्टीपल होगा क्योंकि 31 तो रिमाइंडर है आपने 31 रिमाइंडर हटा दिया तो बचा हुआ नंबर 1155 1155 तक पूरा डिवाइड होता था तभी तो 31 बच जाता था यानी कि आपको जो नंबर बताने हैं नेचुरल नंबर जिस जो जो रिमाइंडर 31 दे रहे थे यानी कि n की वैल्यूज थी वो 1155 के फैक्टर्स थे 1155 के फैक्टर्स तो क्वेश्चन 1155 के फैक्टर्स के बारे में था कि 1155 तक उसको पूरा डिवाइड कर दे और बच जाए 31 तो नंबर जो भी आप जिससे डिवाइड करेंगे 1186 को वो नंबर से डिवाइड करेंगे जिसके मल्टीपल में 1155 आए ताकि 31 बच जाए इसका मतलब वो नंबर 1155 का फैक्टर था पहले देखते हैं फैक्टर्स हमें पता है फैक्टर्स कैसे लेते हैं इसका पहले हम फैक्टराइजेशन फॉर्म करेंगे इलेवन इंटू वन जीरो फाइव दिख रहा है और वन जीरो मुझे पता है थर्टी फाइव इंटू सेवन होता है ना फिफ्टीन इंटू सेवन राइट सॉरी फिफ्टीन इंटू सेवन दीन्स इंटू फाइव इंटू सेवन तो ये इंटू इलेवन है अब क्या है अगर नंबर ऑफ फैक्टर्स आपको कभी निकालने होते हैं तो आप क्या करते हैं ये प्राइम फैक्टराइजेशन में जो जो भी पावर है अब सबकी पावर वन है आप क्या करते हो पावर प्लस वन पावर प्लस वन पावर प्लस वन पावर प्लस पावर को वन वन ऐड करते हो और मल्टीप्लाई करते हो तो ये आपके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं यानी के टोटल फैक्टर्स हैं टोटल फैक्टर्स हैं बट प्रॉब्लम ये है कि जो इलेवन फिफ्टी फाइव के फैक्टर्स थर्टी वन से छोटे होंगे राइट right? जो थर्टी वन से छोटे होंगे वो तो थर्टी वन रिमाइंडर नहीं दे सकते यानी कि आपको वो फैक्टर चाहिए थे जो 31 से बड़े होते तो ये आपका, आपका से, फैक्टर्स मुझे बन गए 16, वो नहीं लेने कि हर नंबर का इलेवन फिफ्टी फाइव का भी एक फैक्टर होगा वन वो नहीं कंसिडर करना क्योंकि वन आपको थर्टी वन रिमाइंडर नहीं दे सकता अगर आप किसी नंबर को वन से डिवाइड करोगे तो थर्टी वन फैक्टर नहीं बन सकता फिर आपका थ्री फैक्टर है थ्री इंटू सेवन ट्वेंटी वन भी फैक्टर है थ्री इंटू इलेवन जरूरत नहीं है क्योंकि वो थर्टी थ्री वो थर्टी वन से बड़ा है राइट और फाइव इंटू सेवन वो भी बड़ा है इसका मतलब यही फैक्टर थे जो आपके 31 से छोटे फैक्टर थे कितने हो गए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन तो 16 में से सेवन हटा दो बाकी नाइन फैक्टर होंगे वो 31 से बड़े होंगे राइट right? बाकी बाकी नाइन फैक्टर जो आएंगे वो 31 से बड़े होंगे ओके okay? आप देख भी सकते हैं वो बड़े आराम से आप पता कर सकते हैं कि नंबर जो है वो वन इलेवन इंटू थ्री इंटू फाइव इंटू सेवन था एक फैक्टर अगर थ्री इंटू सेवन इंटू इलेवन होगा तो ये आपका 31 से बड़ा है. एक तो दूसरा नंबर सिंगल नंबर की बात कर रहा हूं ये थर्टी वन से बड़ा होगा ऐसे ही एक नंबर अगर आप सेवन लेंगे तो दूसरा नंबर थ्री इंटू फाइव इंटू इलेवन तो जो मल्टीप्लाई करके नंबर आएगा 165, राइट right? तो ये नंबर इलेवन थर्टी से बड़ा होगा ऐसे ही आपने जब जो भी नंबर लिए हैं आपने लिया नंबर तो फिफ्टीन इंटू आप करेंगे इंटू सेवन सेवन ये भी बड़ा होगा ट्वेंटी वन आपने एक नंबर लिया है तो दूसरा नंबर Uh, कौन सा होगा ट्वेंटी थ्री इंटू सेवन आपने ले लिया फाइव इंटू इलेवन फिफ्टी यह भी नंबर बड़ा होगा राइट right? मतलब हर एक की पेयरिंग बनती है ना तो बाकी दो नंबर और होंगे जो जो इन दोनों से बड़े होंगे ट्वेंटी आपका कौन सा नंबर आएगा थर्टी फाइव थर्टी फाइव ऑलरेडी बड़ा है आपने फाइव सेवन इसमें ले लिया और थ्री इलेवन यहां पर ले लोगे थर्टी थ्री ये दो नंबर भी दोनों ही नंबर उससे बड़े होंगे राइट right? तो दो नंबर यहां और सेवन पेयर में यहां जिसको तो पेयरिंग करना आता है वो समझेगा अदरवाइज मेरे पास टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स का मैंने फॉर्मूला आपको बताया कि पावर प्लस वन करके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकलते हैं उसमें से हमने मेनुअली देख लिए जो फैक्टर्स इसके जो 3, 5, 7 और इलेवन से बनते थे जो फैक्टर थर्टी वन से छोटे थे राइट right? वो वाले सेवन फैक्टर हमने माइनस कर दिए तो बाकी नाइन फैक्टर्स आ जाएंगे जो इलेवन एटी सिक्स जो इलेवन फिफ्टी फाइव के नाइन फैक्टर्स हैं जो थर्टी वन से बड़े हैं मतलब जो आपको रिमाइंडर थर्टी वन दे सकते हैं राइट तो ये काफी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था डिफिकल्ट कैटेगरी में मैं डालूंगा इसको अब एवरेस्ट टू डिफिकल्ट अब एवरेज टू डिफिकल्ट क्योंकि ये नॉर्मल क्वेश्चन नॉर्मल लेवल का क्वेश्चन आपका नहीं था सीधे नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछता तो ठीक था, था बट ऐसे करने के लिए थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है राइट right? और आपको पता नहीं नंबर्स किए थे कितना किया था कितना नहीं तो पक्का ही अब अबरेस्ट टू डिफिकल्ट कैटेगरी का क्वेश्चन था नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ अब ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था पी पी क्यू क्यू आर आर टू डिजिट जिसमें पी क्यू आर राइट इस ऑर्डर में है पी सबसे छोटा क्यू उससे बड़ा आर उससे बड़ा और इन तीनों का सम बन रहा है टी टी जीरो राइट ओके टी टी जीरो डिजिट का नंबर है जिसमें पहले दो डिजिट सेम है एंड वाला डिजिट जीरो है तो देखो यहां पे क्या कह रहा था पी पी क्यू क्यू आर आर आप ऐसे ऐड कर रहे हो और एक नंबर बन रहा है टी टी जीरो ऐसे तो पी प्लस क्यू प्लस आर या तो आप टेन बनाओगे या ट्वेंटी बना दोगे थर्टी तो बन नहीं सकता डिजिट्स में राइट तो टेन कैसे बना सकते हो या तो पी को वन लो क्यू को टू लो मैं कॉम्बिनेशन देख रहा हूं वन टू थ्री तो आर सेवन हो जाएगा तो आप ये वाला कॉम्बिनेशन जब करेंगे वन वन टू टू सेवन सेवन तो ऑब्वियसली ये अपना हंड्रेड टेन बन जाएगा आपको टी की कोई चिंता नहीं है टी कोई भी बने बट आर लास्ट डिजिट जीरो हो और टी के दोनों डिजिट सेम बनेंगे राइट right? वो बन जाएंगे ऐसे ही आपने पी को फिर से वन रख लिया क्यू को थ्री रखा अब की बार क्यू को टू की जगह थ्री रख लेता हूं वन थ्री फोर एंड सिक्स टेन तो इससे भी टेन बनेगा यानी कि आपका सेकंड केस में इलेवन थर्टी थ्री और सिक्सटी सिक्स ले सकते हैं फिर से यही बन जाएगा ऐसे ही पी को अगर वन रखा क्यू को फोर रखा तो वन फोर फाइव एन फाइव टेन बन जाएगा तो ये भी पॉसिबल है राइट इसके बाद आप P को वन नहीं रख सकते क्योंकि के के बाद 1 के सारे केस पूरे हो गए Q टू थ्री और फोर क्योंकि Q को अगर फाइव रखोगे तो R फोर हो जाएगा विच इज P लेस देन Q लेस देन R ये वाली कंडीशन हमने देख के रखनी है राइट P सबसे छोटा है तो अब हम P को टू कर लेते हैं अगर ये टू है क्यू से बड़ा टू थ्री फाइव एंड फाइव टेन ये भी बन सकता है राइट ये भी तो बन सकता है ओके? फिर हमने p को को रखने के बाद q को 4 रख लिया 2, 4, 6, 6, 1, 4, 10, ये तो नहीं बन सकता, ये तो आप नहीं ले सकते तो टू का केस भी खत्म हो गया अगर p को थ्री लेते तो q को फोर लेते थ्री फोर सेवन एंड थ्री टेन ये भी पॉसिबल नहीं है पी क्यू आर ऑर्डर में नहीं है तो इसका मतलब 110 वाली पॉसिबिलिटी तो यही थी राइट जो पी क्यू आर के इस ऑर्डर में सम 10 बन जाता ओके okay? अब मैं देखता हूं कि अगर 20 बनाना होता तो वन के साथ तो 20 नहीं बना सकते राइट दोनों को मैक्सिमम नाइन नाइन रख सकते हो टू के साथ ट्वेंटी बना सकते हैं क्या दोनों को नाइन नाइन रखना पड़ेगा इक्वल रखना पड़ेगा वो भी नहीं हो सकता तो इसका मतलब क्या होगा अगर मैं थ्री रखूं और ट्वेंटी बनाने की सोचूं राइट तो लास्ट वाले डिजिट को नाइन सोचो थ्री नाइन ट्वेल्व एंड एट ट्वेंटी तो एक ही केस पॉसिबल होगा राइट तो यहां ट्वेंटी बन जाएगा तो यहां टू ट्वेंटी यानी थ्री थ्री एट एट और नाइन नाइन वाला केस आपका टू ट्वेंटी वाला केस दे देगा। तो है ओके क्योंकि हमें तो टी टी जीरो चाहिए ना तो फिर अगर मैं इसको फोर फोर लू तो फोर एंड नाइन थर्टीन थर्टीन एन सेवन फोर सेवन इलेवन एंड नाइन देखो फोर के बाद एट एट तो रख नहीं सकता तो इसका मतलब ये भी एक ही केस बनेगा और कोई केस तो बनता नहीं दिखता फोर के बाद आपको सिक्सटीन चाहिए वो सिर्फ सेवन और नाइन से बन सकता है सेवन और नाइन के अलावा आप फोर के बाद एट लेते तो पॉसिबल नहीं था सिक्स फोर सिक्स टेन टेन डिजिट नहीं है आगे फोर और एट लोगे तो अगला भी एट रखना पड़ेगा वो पॉसिबल नहीं है क्यू इज नॉट इक्वल टू आर राइट तो फोर सेवन नाइन का भी एक ही केस है उसके बाद अगर मैं फाइव लेता फाइव फिफ्टी फाइव फाइव के बाद मुझे फिफ्टीन चाहिए फाइव के बाद अगर सिक्स रखता हूं तो नाइन पॉसिबल है राइट right? ये पॉसिबल है फिर आप फाइव के बाद अगर सेवन रखें तो फाइव सेवन ट्वेंटी ये भी पॉसिबल है तो ये भी टू ट्वेंटी बनेगा आपका ओके okay? राइट right? देखेंगे तो फाइव सिक्स नाइन फाइव सेवन एट अगर सिक्स ले तो सिक्स तो के बाद आपका सिक्स सेवन थर्टीन थर्टीन एंड सेवन ट्वेंटी पॉसिबल ही नहीं है तो यही केस आपके पॉसिबल है देखो सिक्स क्यों नहीं पॉसिबल सिक्स के बाद मिनिमम भी लोगे तो सेवन एट वो भी ट्वेंटी है तो पॉसिबल नहीं है इसका मतलब क्योंकि PQR को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेना है तो ये थे आपके अब कह रहे हैं नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ पी पी की कौन सी पॉसिबल वैल्यू थी राइट right? एक तो वन वन तो ये सेम है टू थ्री फोर एंड फाइव तो पी की फाइव पॉसिबल वैल्यूज है करेक्ट है राइट करेक्ट है बिल्कुल करेक्ट है पी की फाइव पॉसिबल वैल्यू वन टू थ्री फोर फाइव पी को ले सकते हो राइट right? फिर है नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ क्यू क्यू की वैल्यू देखते हैं सेकंड की टू थ्री फोर टू थ्री फोर सेवन राइट सिक्स टू थ्री फोर सिक्स सेवन ओके देखेंगे टू थ्री फोर सिक्स सेवन अच्छा यहां एट भी है एट भी है सो टू थ्री फोर सिक्स सेवन एट तो सिक्स ये भी करेक्ट है राइट right? ये भी करेक्ट है तो बोथ आर करेक्ट बोथ आर करेक्ट क्योंकि उसने करेक्ट पूछी है तो बोथ आर करेक्ट अगेन इसमें मुझे दिमाग लगाना पड़ा इतना सोचना पड़ा तो आई विल रेट इट अगेन एवरेज टू डिफिकल्ट राइट इतना दिमाग वहां कोई लगा नहीं पाता और टाइम नहीं होता इतना करने को राइट right? तो फिर से डिफिकल्ट कैटेगरी तो काफी अच्छे लेवल का एग्जाम था डिफिकल्ट काफी क्वेश्चंस थे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं व्हाट इज ऑल फोर डिजिट नंबर्स लेस देन बाय द डिजिट डिजिट फोर। देखो, नंबर हो लेस देन टू थाउजेंड हो उसका थाउजेंड प्लेस तो वन ही रहेगा यानी कि आपके बाकी के तीन डिजिट जो होंगे वो आप टू थ्री फोर की वेरिएशन करेंगे राइट right? तो वैसे तो आप इसमें सोच सकते थे कि कैसे वेरी करेंगे बट थ्री फैक्टोरियल है छह नंबर बनने हैं राइट तो या तो क्योंकि नन ऑफ द डिजिट इज रिपीटेड रिपीट करना नहीं है तो अगर लें थ्री फोर एंड टू के साथ टू फोर वन थ्री के साथ फोर टू वन फोर के साथ टू थ्री वन फोर के साथ थ्री टू तो यही तो छह डिजिट नंबर थे और कोई नंबर पॉसिबल ही नहीं था वन के साथ या तो टू आएगा थ्री आएगा फोर आएगा सारे केस हो गए राइट right? तो लास्ट डिजिट क्या आएगा देखो दो बार फोर दो बार थ्री दो बार टू एड करेंगे तो टू थ्री फाइव टू एटीन एट वन कैरी आएगा राइट right? तो यहां पे भी तो दो बार थ्री दो बार टू दो बार फोर है तो यहां भी एटीन एंड वन नाइनटीन नाइन आएगा वन कैरी लास्ट के दो डिजिट नाइनटी एट सिर्फ इस ऑप्शन में थे मार्क कर दो राइट आपको यही तो चाहिए था नंबर्स तो ये काफी आसान था मैंने लिख के कर दिया बहुत ज्यादा दिमाग लॉजिक मैथ्स नहीं लगाएंगे सीधा देखेंगे कि ऐसे ऐसे पॉसिबिलिटी है राइट ये नंबर्स हैं ऐड करने हैं तो लास्ट के दो डिजिट एट फिर यूनिट प्लेस पे सब में पेट था टेंस प्लेस पे नाइन सिर्फ ए ऑप्शन में था मार्क कर दो राइट ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ ओके और उससे पहले फिर से मैं बता दूं सक्षम सक्षम सी सैट कोर्स जो कंप्लीट कोर्स है आपका स्लीपी क्लासेस पे वो वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी और लाइव लेक्चर दोनों फॉर्मेट में अवेलेबल है राइट अगर आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं इसमें 80 प्लस लाइव लेक्चर्स 80 प्लस आपकी रिकॉर्डेड या लाइव लेक्चर डिपेंडिंग अपॉन का कौन सा कोर्स है टॉपिक टेस्ट भी है हर कोश हर लेक्चर के साथ असाइनमेंट्स पी असाइनमेंट्स और मॉक टेस्ट भी एट मॉक टेस्ट हैं और लाइव डाउट रेजोल्यूशन सेशंस भी हैं राइट ओके तो अगर आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम यहां पे था व्हाट इज द द नंबर ऑफ 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 थिंग्स थिंग्स आउट इन इन अ सर्कल टेकन क्लॉकवाइज डायरेक्शन अब देखो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था एक तो ये सिलेक्शन की बात कर रहा था तो सिलेक्शन में वैसे भी ऑर्डर वॉर्डर मैटर नहीं करता राइट right? तो आप ये समझ लो इसने ये कहा था जैसे नंबर वो जो क्लॉक होती है ना वैसे बारह वो ले लो राइट ओके, okay. so, ये ऐसा कर लो ट्वेल्व मैंने ये, right? so, ये डिफाइंड है पहले से ही ट्वेल्व थिंग्स हैं सर्कल में इसमें मुझे टेन कंजिव थिंग्स सिलेक्ट करनी राइट right? दस कंजिव क्लॉक में डायरेक्शन में लेके आपको करनी है उससे क्या फर्क पड़ता है आप या तो वन के साथ टू ले लेंगे राइट वन टू पहली दो सिलेक्ट कर लेंगे मतलब यहां से कंजिव चलेगा राइट दस तक आपने दस सिलेक्ट करनी है वन से टेन या आप टू से इलेवन सिलेक्ट कर लेंगे थ्री से आप ट्वेल्व तक सिलेक्ट कर लेंगे फोर से आप ट्वेल्व के बाद वन आ जाएगा वन तक क्लॉकवाइज में चल रहे हैं दस आपने लेनी है राइट फाइव से आप टू तक सिलेक्ट कर लेंगे सिक्स से आप थ्री तक सिलेक्ट कर लेंगे तो एक्चुअली स्टार्टिंग पॉइंट को ही देख लो स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो सकता है वन से लेकर ट्वेल्व तक राइट स्टार्टिंग पॉइंट आपका वन है टू है थ्री है ट्वेल्व है तो ट्वेल्व कॉम्बिनेशन ही आप तो कर ले सकते हैं ना आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है आपने क्लॉक वाइज लेनी है दस चीजें तो स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है उसमें हर एक केस में अलग हो जाएगा वन से लेकर टेन तक आएंगी या टू से लेके इलेवन तक या थ्री से लेकर तो स्टार्टिंग पॉइंट वन से लेकर ट्वेल्व तक बन सकता है अलग अलग तो देर कैन बी ट्वेल्व सिलेक्शन अरेंजमेंट वगैरह नहीं करनी है आपको सिलेक्शन देनी है तो पहले वन से सिलेक्ट करना है या टू से सिलेक्ट करना है थ्री से वैसे आप ट्वेल्व डिफरेंट सिलेक्शन दे सकते थे राइट right? चलो नेक्स्ट पे आ जाओ अब ये क्वेश्चन वैसे तो कैलेंडर्स का क्वेश्चन था और लोग कहते हैं रीजनिंग का क्वेश्चन होता है बट प्रॉब्लम ये थी कि उसने क्योंकि रीजनिंग के क्वेश्चन में भी हम अगर कहते हैं कि इतने दिनों बाद कौन सा डे होगा तो उसमें सेवन से रिमाइंडर लेते हैं बट यहां क्वेश्चन उसने रिमाइंडर का ही बना दिया कि डे जो दिए थे वो 10 की पावर 10 तो उसका मेरा यहां पे मुझे करना था 10 की पावर 10 का सेवन से रिमाइंडर राइट right? ये जो रिमाइंडर आएगा ये इंपॉर्टेंट है ये रिमाइंडर निकाल के मुझे वो संडे को आगे बढ़ाना था कि कितने दिन आगे बढ़ाना है राइट right? तो यहां देखेंगे तो हमारा एक रूल होता है कि ये बेसिकली क्वेश्चन तो यही है ना कि 10 into 10 into 10 सेवन टेन टाइम्स है और सेवन से रिमाइंडर तो रिमाइंडर भी मल्टीप्लाई होते हैं आप रिमाइंडर इंडिविजुअल का लेंगे यहां थ्री रिमाइंडर यहां थ्री रिमाइंडर तो इसका मतलब थ्री थ्री सेवन टाइम्स आ जाएगा राइट right? ये रिमाइंडर आपको निकालना है सेम ही होगा अगर सॉरी थ्री थ्री टेन टाइम्स टेन टाइम्स दस बार है ना तो वो आ जाएगा आपका ओके टेन टाइम्स तो इसको अगर मैं यह कहूं कि ये दो थ्री से एक नाइन बन जाएगा फिर एक दो थ्री से नाइन बन जाएगा तो आपका पांच बार नाइन बन जाएगा तो इसको मैं कह सकता हूं नाइन की पावर फाइव है ये तो और नाइन का सेवन से रिमाइंडर टू आता है तो टू की पावर फाइव का सेवन से रिमाइंडर यानी कि थर्टी टू का सेवन से रिमाइंडर तो वो तो सेवन इंटू फोर ट्वेंटी एट का फोर रिमाइंडर आ जाएगा आपका राइट फोर रिमाइंडर आपका आ जाएगा तो आपको संडे को फोर डेज आगे करना था संडे से मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे तो थर्सडे आपका आंसर हो जाता राइट right? थर्सडे आपका आंसर हो जाता चलो गुड है तो क्वेश्चन आपका बेशक संडे से मुझे यह करना था कोई सीधा कहता कि सौ दिन आगे बताओ तो मैं कहता रीजनिंग का क्वेश्चन बट ये क्वांट का क्वेश्चन इसलिए बन गया क्योंकि टेन की पावर टेन का सेवन से रिमाइंडर लेना था

तो कहते हैं फर्स्ट सिग्नल टेक ट्वेंटी फाइव सेकेंड द सेकेंड थर्टी थर्ड तो यहां यहां फर्स्ट सिग्नल है जो सिक्स फिर यहां ट्वेंटी पच्चीस सेकेंड रहेगा यहां भी पच्चीस सेकेंड रहेगा तो फर्स्ट सिग्नल का जो इंटरवल है वो फिफ्टी सेकेंड का इंटरवल है राइट right? फिफ्टी सेकेंड का इंटरवल है सेकेंड सिग्नल का जो इंटरवल है वो थर्टी नाइन प्लस थर्टी नाइन यानी कि 78 सेकंड का इंटरवल है देखो 39 सेकंड वो ग्रीन टू रेड फिर 39 सेकंड रेड टू ग्रीन मतलब चेंज होके ग्रीन रहेगा 39 सेकंड फिर रेड रहेगा 30 सेकंड 39 सेकंड तो वापस जो ग्रीन टू ग्रीन आएगा आफ्टर 78 सेकंड के बाद आएगा ऐसे ही थर्ड सिग्नल जो 60 प्लस 60 यानी के वन के बाद वन सेकंड के बाद रिपीट होगा तो इनका जो इंटरवल था वैसे हम क्वेश्चन करते हैं कि ये क्या होता है एलसीएम ले लिया करो इंटरवल का उतने देर के बाद ये रिपीट होती हैं चीजें बट उसमें यहां पॉइंट यही था कि आपने जो इंटरवल है वो 25 6, 39 और 60 नहीं लेना था बल्कि 50 78 और 120 तो इनका एलसीएम इनका एलसीएम देखो ये क्या है 5 स्क्वायर 2 ये क्या है 3 13 39 2 ये कितना है 2 की पावर थ्री एट इंटू थ्री इंटू फाइव ये है तो एलसीएम में लेते हैं हम हाईएस्ट पावर टू की पावर थ्री आएगी थ्री की पावर वन आएगी फाइव की पावर टू आएगी और थर्टीन की पावर वन तो यहां टू इंटू थ्री सिक्स इंटू थर्टीन सेवनटी एट और दो टू और दो फाइव के लिए दो जीरो यानी सेवनटी एट हंड्रेड सेकेंड्स के बाद ये रिपीट हो जाएगा तो 78 एट हंड्रेड सेकंड्स को मिनट में कन्वर्ट करें तो 60 से डिवाइड कर दें यानी कि 130 थर्टी 130 मिनट्स के बाद ये रिपीट होगा और 130 मिनट्स को हम कह सकते हैं कि टू आवर्स टेन मिनट्स तो टू आर टेन मिनट्स दो बजे के बाद टू आर टेन मिनट्स यानी चार बज के दस मिनट पे ये रिपीट होगा क्योंकि इसने कहा था विल दे चेंज टू ग्रीन नेक्स्ट चेंज टू ग्रीन नेक्स्ट तो पहले अभी जो है वो ग्रीन रेड ग्रीन हुए हैं टर्न और वापस ग्रीन टर्न कब होंगे तो ग्रीन टू रेड रेड टू ग्रीन दोनों साइकिल के बाद वापस ग्रीन होंगे तो दो दो साइकिल का एलसीएम लेना था और वो हमारा चार बज के दस मिनट पे वापस ये हो जाता तो टोटल वन थर्टी मिनट आपका एलसीएम एलसीएम आ रहा था इन तीनों का ओके okay, इंटरवल आपने लेने थे पचास सेकंड और सेवेंटी एट सेकेंड और वन ट्वेंटी सेकेंड वही बस इंपॉर्टेंट था ओके okay? चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ ये क्वेश्चन काफी मतलब अच्छे थे टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन थे काफी राइट right? अभी एक क्वेश्चन ये ये था अब रीजनिंग में लोग कह देते हैं बट मैं कहता हूं चलो देखता हूं कि इसमें मैथ्स कैसे लगता था ये क्या था फोर्टी चिल्ड्रन आर स्टैंडिंग इन अ सर्कल एंड वन ऑफ देम से चाइल्ड वन हैज अ रिंग द रिंग इज पास क्लॉकवाइज चाइल्ड वन टू चाइल्ड टू चाइल्ड टू टू फोर फोर टू सेवन तो क्या हो रहा है चाइल्ड वन टू को पास कर रहा है टू फोर को फोर सेवन को ऐसे चल रहा है वो कह रहा है वापस चाइल्ड वन के पास कब आएगी राइट या तो मैथ्स लगा के करते मैथ्स लगा के करते के यहां वन का गैप है यहां टू का गैप है यहां थ्री का गैप है तो ऐसे ऐसे करते करते हम आगे चलते नहीं ये तो मैं रीजनिंग से कर रहा हूं मैथ्स क्या होता कि मैथ्स ये होता कि ये जो टू है राइट right, पहले एक को पास हुआ एक के पास करने के बाद वन में वन ऐड हुआ राइट right? ये फोर है ये वन में वन और टू दोनों ऐड हो गए ये सेवन है ये वन में टू और थ्री तीनों ऐड हो गए सॉरी वन प्लस टू प्लस थ्री तो सिक्स एंड वन सेवन हो गया तो नेक्स्ट आएगा प्लस फोर करेंगे इलेवन तो आप देखेंगे ये वन में वन टू थ्री फोर सारे ऐड हो गए राइट right? टेन और वन इलेवन हो गया तो ऐसे करके आप उससे भी कर सकते थे मैथ से भी कर सकते थे रीजनिंग से बहुत सिंपल था सीरीज बनाते राइट right में ऐसे ही चलता जाता पहले प्लस वन कर रहा है फिर प्लस टू कर रहा है फिर प्लस थ्री कर रहा है फिर प्लस फोर करेगा फिर प्लस फाइव करेगा फिर प्लस सिक्स करेगा फिर प्लस सेवन करेगा फिर प्लस एट करेगा फिर प्लस नाइन करेगा अब नाइन करके फोर्टी सिक्स आ रहा है ओके okay, सॉरी प्लस नाइन करके फोर्टी सिक्स आ रहा है फोर्टी सिक्स तो है नहीं फोर्टी के बाद तो दोबारा वन आ जाएगा यानी okay? तो तो अगला प्लस इलेवन होगा अगला प्लस थर्टीन होगा हो हो अब थर्टी नाइन प्लस टू आएगा फिफ्टी टू चालीस के बाद बार वन लड़का ट्वेल्थ चाइल्ड अब प्लस फोर्टीन होगा अब प्लस फिफ्टीन होगा प्लस फिफ्टीन फोर्टी वन 41 मतलब टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन तो फिफ्टीन मतलब तो तो आपका आंसर था राइट ये आसान मुझे लगा कि आप इसको लिख के कर देते तो बड़ा जल्दी हो जाता और आप आंसर में देख ही सकते थे कि 14, 15, 16, 17 इससे ज्यादा चेंज नहीं हो सकता था तो फटाफट प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री करते जिस हिसाब से और क्वेश्चन डिफिकल्ट थे इसको ऐसे लिख के कर देते तो ये काफी फास्ट हो सकता था राइट right, तो ये किया जाने वाला क्वेश्चन था तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं और यहां पे था व्हाट इज द मिडिल टर्म ऑफ द सीक्वेंस अब आपको ये लगेगा ये भी सीरीज लिखी हुई थी रीजनिंग का नहीं ये तो क्वांट का क्वेश्चन था आपका कैसे पहले Z लिखा हुआ है दो बार राइट Z लिखा हुआ है दो बार Y लिखा हुआ है तीन बार X लिखा हुआ है चार बार W लिखा हुआ है पांच बार राइट तो ऐसे करेंगे देखो A जो है इस सीरीज में लास्ट लेटर आएगा तो ये पहला लेटर दो बार था तो 26वां लेटर सत्ताईस तो बार होगा राइट

तो मिडिल टर्म क्या होगी मिडिल टर्म एक टर्म निकाल दो वो मिडिल में है इसके इधर टर्म और इधर टर्म सेम होनी चाहिए तो 356 टर्म्स और हैं तो 356 टर्म्स मींस 178 टर्म्स इधर हैं 178 टर्म्स इधर हैं राइट 356 का हाफ कर दिया 178 टर्म्स इधर 178 टर्म्स इधर टोटल 356 वन बीच में तो 357 टर्म्स हो गई तो मेरी जो मिडिल टर्म है राइट right, वो टर्म है चाहे इधर से चाहे इधर से काउंट करना किधर से इजी है ए की तरफ से क्योंकि वो क्या है ज्यादा टर्म्स है देखो ए लिखे हुए हैं ट्वेंटी सेवन फिर बी लिखे होंगे ट्वेंटी सिक्स सी लिखे होंगे ट्वेंटी फाइव डी लिखे होंगे ट्वेंटी फोर ई लिखे होंगे ट्वेंटी थ्री एफ लिखे होंगे ट्वेंटी टू जी लिखे होंगे ट्वेंटी वन एच लिखे होंगे राइट एच लिखे होंगे ट्वेंटी मैं क्यों एच तक लिख रहा हूं क्योंकि एच मेरी पहली चॉइस है उससे पहले कोई चॉइस नहीं थी तो यहां तक पहले काउंट करो ये कितना हो गया कितने हैं तो सब है. में है एक्स्ट्रा इसमेंटी ट्वेंटी एट एक्स्ट्रा है तो ये हो गए आपके वन एटी एटी एट आ गए राइट वन एटी एट है ये देखना मैंने सही किया था हाफ 358, right? 358 किया था टू इंटू सेवन थर्टी फोर टू वन 34 to 178, और ये हमारा पूरा आया टू थ्री 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 सिक्स फोर सिक्स एन फोर टेन टेन फाइव फिफ्टी सिक्स अगर मैं 160 में करूंगा, तो वन तो एट हो जाएगा बिल्कुल सही है यानी कि h मेरा 188 तक आएगा ओके okay? उससे पहले g के बाद h जो है 188 में ये वाली टर्म आ जाएगी तो मेरा h ही मेरा ये वाली होगी मिडल टर्म यहां से 179 चलूंगा तो वो मेरा h ही आ जाएगा राइट इसमें कैलकुलेशन वगैरह चेक कर लेना आप अपने एंड पे मैं तो आपको मेथड बता रहा हूं तो ये बिल्कुल मेरे हिसाब से अभी अगर मैं करता हूं तो ये जो हमने मेथड लिखा इससे हमारा 350 सेवन uh, जो टोटल टर्म आई उसमें से थ्री uh, फिफ्टी सिक्स टर्म्स जो है साइड में होनी चाहिए वन टर्म बीच में होगी मतलब 178, 179 टर्म हम एक ही तरफ से भी चल सकते हैं तो वन एट टर्म अगर एच है बट उससे पहले बीच में ट्वेंटी एच टर्म्स है राइट तो वन सेवनटी नाइन टर्म भी एच ही होगी तो मिडल टर्म आपकी एच ही आएगी ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं द सम ऑफ ऑल डिजिट्स विच अपियर इन ऑल द इंटीजर्स फ्रॉम टेन टू हंड्रेड ये अगर आप थोड़ा सा बस लॉजिक जानते मतलब सिंपल है बट अगर आपने नंबर्स को ऐसे स्टडी किया हुआ है तो आंसर कर सकते थे कैसे जैसे वन टू थ्री फोर अगर मैं ओके फाइव सिक्स सेवन एट नाइन और उसके बाद टेन इलेवन ऐसे करते करते नाइनटी नाइन और फिर हंड्रेड राइट right? आप इस सेगमेंट को ऐसे कर लो ये अलग सेगमेंट ये अलग सेगमेंट और ये अकेला राइट right? क्या होता है वन से लेके नाइनटी नाइन तक अगर आप डिजिट लिखते हो तो हर डिजिट आपका वन से लेके वन से लेके नाइन तक ये सारे डिजिट आपके ट्वेंटी टाइम्स आते हैं हर डिजिट ट्वेंटी टाइम्स आता है वन से लेके नाइनटी नाइन तक क्या होता है यूनिट प्लेस पे टेन टाइम्स आ जाता है

यानी फोर्टी फाइव तो फोर्टी फाइव इंटू नाइनटीन नाइनटीन इंटू फाइव तो 8, तो हो गया इनका सम ऑफ डिजिट और हंड्रेड भी लेना है उसमें एक ही डिजिट है वन राइट नॉन जीरो तो एक ही है एड करोगे वन तो एट सिक्सटी एट फिफ्टी सिक्स आ जाएगा सारों का सम ऑफ डिजिट जितने भी आपने डिजिट्स लिखे हैं राइट right? जितने भी टेन 10 से हंड्रेड तक डिजिट लिखे हैं उन सब right? डिजिटल तो बार आएगा और एक हंड्रेड में एक सिंगल वन और आएगा तो आपका टोटल एट फिफ्टी सिक्स हो जाएगा राइट right? तो ग्रेट आज के लिए इतना ही करते हैं और ये सक्षम सी सैट कोर्स है आपका कंप्लीट कोर्स ये लाइव फॉर्मेट में भी है और रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी और स्लीपी uh, क्लासेस पे आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं 80 प्लस लेक्चर्स हैं इसमें जो लाइव या रिकॉर्डेड जो भी फॉर्मेट आप लेते हैं और उसके साथ आपको असाइनमेंट्स हैं पी असाइनमेंट्स टॉपिक टेस्ट हैं टॉपिक वाइज टेस्ट और मॉक टेस्ट हैं एट और डाउट रिजोल्यूशन के लिए भी कंप्लीट सेशंस भी हैं सेपरेट और आपके जो आ, हम वैसे कनेक्टिविटी भी वाया टेलीग्राम एंड ऑल राइट तो आप ज्वाइन कर सकते हैं सी यू इन द नेक्स्ट सेशन बाय बाय नमस्ते जय हिंद थैंक यू